ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि समय हमको चेंज करेगा, जैसे कंप्यूटर में जब ज्यादा फीड हो, ज्यादा भर जाता है तो वो क्या है, करने लगता है। आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो डिप्रेशन, टेंशन, और इसके कारण ही सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। आपने अनुभव देखा, पढ़ा होगा, पढ़ते भी होंगे कि जो भी सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो गरीब नहीं करते, साधारण नहीं करते, अनपढ़े नहीं करते, जो बहुत पैसे वाले हैं और बहुत होशियार हैं। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने आप में सम्मान देना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि मैं इस धरती पर एक विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने हर बच्चे को क्या कहा, तुम विशेष हो, कहा ना। विशेष क्यों कहा, क्योंकि आप जैसा, आपके चेहरे जैसा, आपकी कर्म जैसा कोई व्यक्ति दूसरा दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन हम परेशान कब होते हैं, जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं। इसलिए समय को देखते हुए बाबा ने जो स्थान बनाए हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप, केवल हमको उसका यूज करना है और निरंतर उसके किसी न किसी प्रकार से मुझे सहयोगी बनना ही है। अगर हम सहयोगी बनेंगे भगवान के, तो भगवान भी पहले किसको याद करेगा, हमको ही याद करेगा। इसलिए बाबा के स्थान, नैतिक चरित्र, आज जो ये विद्यालय खुले हुए हैं, वो नैतिक चरित्र ही हमारा ऊंचा करते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारे चिंतन को बदल देते हैं। तो हमारा चिंतन अगर अच्छा होगा, हम भी अच्छे हो जाएंगे। चिंतन ही हमारा अगर गलत है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं, कोई मुझे चेंज कर दे।